टंटना। और जो साइकिल जो लिया था ना, मम्मी ने पैसा दिया था, फिर हम लोगों ने उधर कर दिया। थैंक यू दिल से उसको जो भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप लोग का और एक नए ब्लॉग के साथ। अभी ब्लॉग शुरुआत हो रहा है, 9 बजने वाला है। अभी जाऊंगा मैं स्कूल खाना खा के। पहली बार तो सुबह इतना बिजी था कि बापू को स्कूल छोड़ के आ गया मैंने। छोड़ के आने के बाद से वापस आ गया, बापू को लेके आ गया। अभी जाऊंगा मैं स्कूल, और वहाँ से स्कूल से जाने के बाद आज बहुत बड़ा सरप्राइज है बापू के लिए, तो इसके लिए वो लेने के लिए भी जाना है मेरे को 12। तो अभी पहुँच गया नदी में, पानी तो बहुत बड़ा है, देखो दूध की तरह जैसा है, लेकिन व्यू बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं माझी, ये पार करते हैं। अभी जब बड़ा पानी हो जाएगा तब ये पार करते हैं, छोटा पानी हो जाएगा तो तब पार नहीं करते। इसमें बेम्बू ब्रिज वगैरह बनाया जाता है, देखो यही से पानी से हम लोग का इस पार गाड़ी आना जाना मुश्किल होता है, क्योंकि ऊपर में पूरा पानी भरा होता है ना, तो गाड़ी पार नहीं हो सकता है। ठंडी का मौसम में पार होता है, अभी के लिए नहीं। बहुत गर्मी है भाई, मैं छतरा लाना भी भूल गया। तो 12 बजे छुट्टी होने के बाद मैं गया था तुशोंग डायरेक्ट। दोस्तों मैं वो तो ब्लॉग वगैरह तो नहीं बनाया, स्कूटी हायर करके गया, कि मेरे पास ऑलरेडी स्कूटी है लेकिन यहाँ से इस पार आ नहीं सकता है ना, तो यहाँ से मैंने स्कूटी हायर करके तुशोंग में गया है और बापू का सरप्राइज लेके आया। देखो क्योंकि रविवार को हम लोग संडे को बर्थडे मना देंगे, इसीलिए ये 1 तारीख को पहुँचना था लेकिन आज 11 तारीख में पहुँच गया। देखो बापू का सरप्राइज देख के ये तो खुलेगा, यहाँ से जाने के बाद ये अनबॉक्सिंग करेगा, मेरे को पता है। इतना वेट है भाई, इतना छोटा सा, यही है बापू का सरप्राइज। इतना गर्मी है, अभी तो माझी नहीं है, वो लोग पार रहे तो मैं भी पार हो जाऊंगा, लेकिन मेरा हाथ से थोड़ा नौ चलाने में मुश्किल हो जाएगा। इतना धूप है, पहुंच गया है मैंने, इतना गर्मी है ना, अभी पहुंच गया। देखो बापू हो रहा खुशी हो गया क्या पापा, खुशी हुआ है। इतना वेट है, ये छोटा वाला साइकिल इतना वेट है, चला सकेगा? अभी चलाएगा बोलो। वहाँ पे लगा के दिया है क्या, बोल रहा है ठीक करके दिया है। लगा के नहीं दिया ना? नहीं नहीं लगाना पड़ेगा। खोले क्या, देखे क्या बापू का सरप्राइज, अनबॉक्सिंग। अभी बापू अनबॉक्सिंग कर रहा है, देखो कैसा है, बढ़िया है। इतना भारी है ना, क्यूट है, पीछे कोई भी बैठ नहीं पाएगा ना, फ्रांसी ना इदोत, ओनली बापू। छोटा है, उसके उसके बराबर है ना। डिजाइन तो बढ़िया है भाई, डिजाइन का मामले बहुत बढ़िया। आर फॉर रैबिट। इसको लगाने में इतना टाइम लगा है दोस्तों, और इसको लगाना है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे मालूम भी नहीं क्या बोलेगा इसको, स्टारिंग। और इसको साइड में जो इसको लगाना पड़ेगा। Thank you.
कितना टाइम लग रहा है इसको लगाने में, इसको रहा नहीं जा रहे, पूरा पीछे बैठा है। रेडी हुआ है बापू का साइकिल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे। कल ब्लॉग को कंटिन्यू भी कर नहीं पाया क्योंकि कारण ही नहीं था। तो सुबह उठ के बापू और मुनका पापा गए है स्कूल में। बापू है ना जो साइकिल स्कूल में जाने के लिए लेके जाने के लिए मन था, क्यों रास्ता पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया, रात भर बारिश दे रही थी। और वहाँ पे साइकिल में दिखाती हूँ आपको, इतना खुश थी। अभी ये साइकिल दो साइकिल हुआ है अभी, ये तो कुछ काम का नहीं, ये बहुत बड़ा है और ये छोटा है। अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है, पूरा मजबूत है, देखने से सोता है, इतना वजन ज़्यादा है ना दोस्तों। और उसको बापू को चाहिए हेलमेट बोलता है, मम्मा और मुझे भी हेलमेट चाहिए, जो साइकिल चलाने का टाइम में हेलमेट चाहिए उसको। और दोस्तों मैं एक बताती हूँ, ये सरप्राइज गिफ्ट पे ना कौन भेजा है, कौन दिया है, तो ब्लॉग पे बने रहे ना, आगे मालूम चलेगा। ये है बर्थडे का गिफ्ट है, बापू का बर्थडे तो हम लोग चांदी को मनाएंगे क्योंकि पहले मनाना था। बापू का बर्थडे पहले था, मई 29 को हुआ था बापू। मनका पापा के कारण हम लोग बापू का बर्थडे मना भी नहीं पाया, और बर्थडे जो बैलून होता है ना सब उधर भी कर दिया था हम लोगों ने, और लेट करके भी आया, और मनका पापा हॉस्पिटल में जाना पड़ा। बोलता है बापू रोज खूब बर्थडे आएगा मेरा, खूब बर्थडे केक मनाएंगे, खूब बर्थडे केक खाएंगे। तो संडे को बापू का इंतज़ार ख़त्म होगा बर्थडे, तो उसका मुँह बंद होगा बर्थडे। और यहाँ पे मैं जो सुबह उठ के खाना तैयारी कर रही हूँ, क्या क्या तैयारी, ये कहती है स्नेक गट का जो साग है ना दोस्तों, वही ग्रीन ग्रीन पत्ते में ड्राई झींगा देकर ही बनाएंगे। और ये एक तरह का फिदल है पान, लेकिन फिदल है पान की तरह ही है, अर्ली कारली, और ये बिल्कुल छोटा छोटा, इसमें बड़ा बड़ा नहीं होते। और ये है मशरूम, हम लोग का लैंग्वेज में इसको कहती है हॉकेंगूल। और ये है साग, और ये है मिदे बेगोल, मनका पापा का फेवरेट, में इसको भी बना दे देंगे। पहले बार बॉयल दे दिया है, यहाँ पे है बैंगन भिजी और इसमें साग देंगे, पहले पानी को उबालने देते हैं उसके बाद ही साग को डालें। साग तो बॉयल हो चुके हैं दोस्तों, देखिए इतना ग्रीन ग्रीन है। और हम लोग इतना हेल्दी हेल्दी चीज खाता है ना, इसलिए अच्छा है, हम लोग हेल्दी रहता है, सब ऑर्गेनिक है ये सब्जी, जो जो सब्जी मैं बना रही हूँ आज। और इसमें जो दिया था ना मिर्ची और ड्राई फिश दिया है, और इसमें ड्राई झींगा दिया है, मिर्ची प्याज दिया है, ये बनाने के लिए स्नैक गात का जो साग है ना दोस्तों, उसको बनाने के लिए। ये देखिए, ये बहुत टाइम लगता है पकने के लिए, साग हो गया फिर भी अभी तक ये नहीं पका है। ओह, सब्जी पकाते पकाते दोस्तों गैस खत्म, अभी नया लगाना पड़ेगा गैस। और ये तो उबलते उबलते बंद हो गया, ये गैस बहुत दिन हो रहे, जब हम लोग लुंगले में गया था ना उससे पहले ये गैस लगाया था, और खुद बनाने यहाँ पे भी खाना बनाया, खाना बना के खाया, फिर भी बहुत टाइम तक टेका है। देखते हैं ये कितना टाइम जाता है, हम लोग लिख के रखता है कितना तारीख को लगाया है और कितना तारीख को ये रे पता है, मतलब टेक पता है। कभी कभार है ना जल्दी ख़त्म होता है दोस्तों, गया है गैस को क्यों अंदर नहीं डाला है, लेकिन बहुत भारी है ना, मनका पापा जब आएगा तो अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी तक नहीं उबाला है, और आज भी बासने वाला है, बापू और मनका पापा लोग तो पहुँचने वाला है, और मनका पापा को फिर से स्कूल जाना है वहाँ से आने के बाद। ग्रीन सब्जी तो दोस्तों सब कुछ रेडी हो चुका है, अभी बनाना है मशरूम। तो दोस्तों मशरूम में आज सब लोग को शेयर कर रही हूँ कैसे मैं बनाती हूँ करके। यहाँ पे है प्याज, जो भी है चाहिए मैंने सब तैयारी इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पे है मिर्ची, क्योंकि हम लोग का जो ताज़ा मिर्ची है ना ख़त्म, यहाँ पे ही देना पड़ेगा। और नून यानी नमक, हल्दी, प्याज, और
चावल का ग्रेवी। पहले बात तो प्याज डालती हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सिदोल का पानी रखा है, जितना अपना हिसाब से रखना है दोस्तों। आप लोग ऑयल से भी खा सकते हो, ऐसा मशरूम खाते हो कि नहीं खाते हो कमेंट में बताना। हल्दी, नमक, मिर्ची ज़्यादा नहीं देंगे दोस्तों, ये मिर्ची बहुत ही जाला है, खाएगा तो पूरा लाल लाल हो जाएगा, इसीलिए मेरा हिसाब से जितना हम लोग खा पाते उतना दिया है। चावल का ग्रेवी, छोटा करके गैस को मैंने दे दिया है दोस्तों, बिल्कुल इस साइड में बड़ा है, इस साइड में छोटा है, तो इस साइड में दे दिया है। अपने यहाँ पकेगा, अभी जो भी काम है मुझे ये काम निपटाना है, पूरा यहाँ पे जमला करके रखा है, ये दाखना है और वहाँ पे भी धोना है। मशरूम तो हो गया है दोस्तों, यहाँ पे रखा है और बर्तन हो जाना पूरा उबाल के क्या हो गया देखने से अजीब होगा, इसलिए मैंने कटोरे में रखा है। और मैं आलू आज वो फ्रेंच फ्राई जैसा ही बना दूंगा, मैंने काट काट के नमक हल्दी वो मिक्स करके रखा है और ये ऑयल गर्म होने दे रही है और पानी भी उतारना पड़ेगा दोस्तों। अभी इतना मुश्किल हो गया है ना पानी रखने से, भी डर लगता है, अभी बारिश देने से जल्दी ख़राब होते हैं, काम करने वाला आते भी नहीं है, कब ठीक कर देगा पता नहीं। बर्तन धोते धोते दोस्तों ये लोग पहुँच गए हैं, उनका पापा ले तो जाएगा, इसलिए खा रहे हैं खाना और मैं भी खाऊंगा, अभी मुझे भी बहुत भूख लग रही है। बैठ गया है और मैंने जो जो सब्जी बनाया था ना दोस्तों, एक एक करके तो देखा नहीं पाया, जो जितना हो सका मैंने दिखाया है, ये सब्जी नहीं दिखाया था बनाने का टाइम में, ओनली ये दिखाया था साग। आज इतना सारा सब्जी बनाया है, मनका पापा बोल रहे हैं इतना सारा सब्जी, पूरा तो सब्जी बना लिया है, बोल रहे थे सब सब्जी बना लिया, लेकिन सब ऑर्गेनिक का। आप देखो कौन सा दवाई वाला देख रहे हैं, ये भी जंगली का है, डेंगे साग, जो पिदलतपान एक तरह का, मिजो भी पिदलतपान बोलते हैं हम लोग, खोगी डेंगे साग बोलते हैं। और ये है मशरूम जो भी मारा हुआ पैर में लग जाता है, और ये है, ये भी ऑर्गेनिक बिल्कुल बीजी बोलते हैं, ये भी ऑर्गेनिक जूम का, सब ये लाइपट्टा भी ऑर्गेनिक, सब ऑर्गेनिक के, ओनली राइस ऑर्गेनिक नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो बाहर से आते हैं, बाहर से आते हैं, बाहर से मतलब पंजाब से कहाँ कहाँ से आते हैं। और बापू का आलू, उसका भी ऑर्गेनिक नहीं है, आलू ऑर्गेनिक नहीं होता है। खाना खा के दोस्तों और बर्तन बगरा भी धो लिया है और पानी भी उताया है, पानी तो घर के अंदर से लेके आना पड़ता है, अभी इस साइड से नहीं होता है, मुझे डर लगता है, लेकिन मनका पापा जाता है वहाँ पे, ऐसे ऐसे से हिला देते हैं। और बापू साइकिल से घूम रहा है, अभी घर के अंदर भी घूमता है, ये खुश हो ना बाबा, ये कौन दिया है आपको पता है? हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट भेजा है किसी ने, एक सब्सक्राइबर ने भेजा है बापू का गिफ्ट, थैंक यू सो मच। नहीं वो पैसा दिया है, हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था और इसलिए बापू को पहले से मालूम है साइकिल आएगा करके। और यहाँ है ना दोस्तों एक बात बताती हूँ, और बापू आया है, पूरा गांव में तो ऑलरेडी मर चुका है जो मुर्गिया है, फिर हम लोग का उसका और हम लोग का मुर्गी कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उन लोग का भी अभी हो गया है, बहुत सारे मर गया था बोल रहे, अभी बन के रखा है। और मेरा जो मुर्गी अभी तक अभी छोड़ नहीं दिया, वो छोटा छोटा होते हैं ना, जगह में हम लोग रोज बन के रखता है और सुबह छोड़ देता है, तो क्या करना पड़ेगा, अभी मच्छरदानी बड़ा है ना, इतना बड़ा मच्छरदानी एक अच्छे से लगाना पड़ेगा, तो उसके बाद मुर्गी को वहाँ पे डाल देंगे, तो वहाँ पे दाना देंगे, थोड़ा खुला में छोड़ देंगे, अभी वहाँ पे बांध के रखेगा तो कहाँ दाना खाएगा और मर भी जाएगा। अभी बापू आप लोग को साइकिल चला के दिखाएगा, ये बापू को आता है ना बाबा,
ये सब बापू का प्यार। थैंक यू सो मच बापू के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। बापू का पास पहले इतना बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं था, वहाँ पे एक गाड़ी और ये चाय खेल, और यहाँ पे इतना सारा गाड़ी हुआ है। ये भी सब्सक्राइब ने पैसा भेजा था, तो ये मनका पापा ये गाड़ी लाया था। और इतना कृष्णा सिप है बापू, अभी इसके पास सब कुछ है ना बाबा। बबरे फोन बजा रहे हो तो चला के दिखाओ ना, चला के दिखाओ बाबा। ये सुबह स्कूल में जाने का टाइम में ना दोस्तों, ये साइकिल से बहुत जाने का मन था उसको, लेकिन पूरा रास्ता खराब हो गया। लड़की का काम खत्म भी नहीं होता है, जब से नींद से जागा तब से खत्म, काम खत्म भी नहीं हो रहे। पता नहीं क्या काम है लड़की को, लेकिन पूरा दिन में हम लोग घर में था लेकिन काम खत्म, रेस्ट नहीं है। थोड़ा रेस्ट करूंगा दोस्तों, उसके बाद ही मुर्गी को बांध के रख। बापू कह रही है और वीडियो बनाओ, चलाओ, चला के भी नहीं देखा था है। चलाओ चलाओ, बाप रे आता है आता है। कल मैं वीडियो बनाने वाला था, बापू जब चला रहे थे फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो इसी कारण बना भी नहीं पाया। बाप रे आता है ना साइकिल चलाने को बापू, बापू को आते हैं। रेस्ट तो कर लिया है, अभी हाथों में फ्लोटिंग लगाना पड़ेगा दोस्तों मुझे। वो मच्छरदानी है ना बिल्कुल नया नया है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ यहाँ पे बाता है था फ्री में, तो वो इतना मतलब पकड़ेगा तो ऐसे फेस में पकड़ेगा तो इतना जलन होता है बिना धो के। वो नया में घर का नीचे रखा था, तो वो पकड़ेगा तो वो पूरा जल जाएगा, इसलिए मैं हाथों में फ्लोटिंग वगैरह लगाऊंगी। अचानक बारिश देता है, फिर से बारिश दे रही है। देखो जब भी देखो इसको, हम लोग का घर का नीचे ही रहता है ये बकरी, एनी टाइम हर टाइम रात दिन बरतता है। ये मच्छरदानी कैसे पकड़ूंगा दोस्तों, डर भी लगता है पकड़ने के लिए। कितना था यहाँ पे, ये भैया ने लाया था, हम लोग तो लेने गया भी नहीं, ये भैया लेके आकर दिया है। कहाँ रखेंगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों उसमें चाहिए खिल नहीं होगा यहाँ पे, खिल या क्या कहते हैं जो हम लोग जोलो कहते हैं ना, घास के ऊपर मारते हैं वो चाहिए। ओ थोड़ा थोड़ा मुझे जलन हो रही है, बार बार ऐसे ऐसे से करते रहते हूँ मैं, और पता नहीं क्या कर रही घर का अंदर, क्या कर रही हूँ क्या। ये चाहिए छोटा छोटा वाला, ये हम लोग का वो लैंग्वेज में कहते हैं इसको बुरोहादा जोलो। हालत खराब हो गया दोस्तों, अकेले ऐसे मुर्गी बनना बहुत ही मुश्किल है। मनका पापा बापू को स्कूल में छोड़ने के लिए गया था ना दोस्तों, वहाँ पे भी बापू के साथ भी नहीं रोका था, पता नहीं क्या किया। उस टाइम में तो दोनों मिलकर बांध के रख सकता था ना, मुश्किल हो गया, दो भाग गया। और मेरा हाथ दिखाते हो जो जो मच्छरदानी लगा था ना, इतना लाल लाल हो गया, पूरा जलन हो रही है। ये देखिए बापू लेके आया दाना, इतना कम लेके आया है। ले मोबाइल पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो, यहाँ पे दिखाओ मोबाइल में देखो। दे दिया है, दो तो भाग गया, पता नहीं कहाँ गया, और नहाना पड़ेगा, इतना पसीना निकल गया है। नहा दो के बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है, बापू को भी नहला दिया था दोस्तों, और इतना जोर जोर से बारिश दे रही है। देखो हम लोग नीचे घूमने जाना था लेकिन नहीं हुआ, और मैं बापू को सुलाने का कोशिश करूंगा, नहीं सोते हैं वो। अभी 4 बज गया है दोस्तों, डिनर का तैयारी करना पड़ेगा, और जो मैंने मुर्गी का वो जगह बनाया था ना सब निकल गया शायद, वहाँ से मैं बांधते बांधते तो दो निकल गया,
और निकल गया। देखो घर भी पूरा थूत गया, कैसे रह रही है। उसमें जो छोटा छोटा बच्चे था और वाइट मुर्गी, वो भी नहीं देख रही है, देखती हूँ। ये बकरे ने पूरा खराब कर दिया, मुझे पता है। यहाँ पे देखो बकरे ने लैट्रिन किया है, इतना गुस्सा आता है, क्या करे समझ में नहीं आता है। ये मुर्गी के वजह से मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है दोस्तों, क्योंकि ये एक महीने में दो महीने में खाने का लायक भी नहीं होता है, कितना मुश्किल से भरा करता है और मर जाता है। यही पे ब्लॉग को एंड करूँगा दोस्तों। और जो साइकिल जो लिया था ना, वो एक आदमी ने पैसा दिया था, फिर हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया बर्थडे का गिफ्ट। और बापू के लिए मैंने बैलून वगैरह जो डेकोरेशन है ना ऑर्डर किया था, वो भी कैंसिल हुआ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, संडे को बर्थडे मनना था, पता नहीं कैसे मनाएंगे। शनिवार को जाकर वहाँ से लेना पड़ेगा, बाजार से, तलाबुंग बाजार से। उसके लिए थैंक यू सो मच बापू के लिए इतना सारा प्यार। और वो साइकिल है ना बहुत ही महंगा है दोस्तों, सस्ता वाला नहीं है, 6000 6500 या कितना था ये साइकिल। और अच्छा है ना, ये ब्रांड भी अच्छा है, आर्कोर राबित करके था ये साइकिल। और पहले से भी हम लोग को ये साइकिल बहुत ही पसंद था, वो वाला ले लिया था, वो सस्ता था उस टाइम में, तो पैसा नहीं था उस टाइम में। मनोज का पापा है ना, एक महीने का सैलरी साला जाता है, तो इसीलिए थैंक यू दिल से उसको, जो भी है। लेकिन हम लोग नाम नहीं लेंगे उसको, इसलिए उसको ब्लॉग देखता है रोज़, तो उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। और हम लोग का तरफ से बहुत सारा प्यार बापू के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, कैसा लगा ब्लॉग को कमेंट में बताना, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे ना, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों।